नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर घुटियामी में। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु अणु को बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। परमाणु अणु को बांध कर रखने वाले बंधन को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। चलिए इसे समझते हैं। जैसे ये दो मार्कर है, इसे हमने बांध दिया। किसी भी चीज को यदि बांध कर रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बंधन। इसे मैंने बांध दिया तो ये क्या हो गया? बंधन। रस्सी से बांधा तो रस्सी का बंधन। इसी प्रकार जब दो परमाणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, तो इसी को कहते हैं रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। इसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। पहले नोट देख लें। यदि बताए थे कि बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 रहे तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। 4 रहे तो क्या कर देता है? साझेदारी कर लेता है। 5, 6, 7 रहे तो दूसरे से क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। ये ट्रिक बताए थे पिछले कक्षा में हमने, याद करने का। और बताए थे यदि बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 रहे तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। त्याग करेगा तो वो धनवान व्यक्ति है। धनवान व्यक्ति है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? धन आयन वाला, प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसी प्रकार बताया था कि यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे, ग्रहण करेगा तो ऋण आयन होगा, मतलब वो कर्जधार हो गया, ऋणी हो गया, इसीलिए उस पर निगेटिव आयन हो जाता है। अब केमिकल बॉन्डिंग को समझते हैं, रासायनिक बंधन को, एग्जाम्पल के द्वारा। सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक के नाम से भी जानते हैं, सोडियम और क्लोरीन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे। सोडियम और क्लोरीन का निकाल के देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11। इसे यदि हम कक्षा में बांटेंगे तो पहले कक्षा में आएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरे में आएगा 8, फिर बाह्यतम कक्षा में आ जाएगा कितना? 1। बताए थे कक्षा में बांटने के लिए, पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन खाने का क्षमता कितना? 2, दूसरे में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन खाने का क्षमता। फिर लास्ट में बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन? 8, 2 हो गया 10 इलेक्ट्रॉन खत्म। तो 11 में 10 घटा देंगे, बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। अब क्लोरीन का बांट के देखते हैं। पहले देखेंगे क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है कितना? 17। इसे यदि हम कक्षा में बांटेंगे तो पहले कक्षा में आएगा कितना? 2, फिर दूसरे में कितना आएगा? 8, फिर लास्ट कक्षा में कितना आएगा? 8, 2, 10, 17 में 10 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट कक्षा में इसके बाह्यतम कक्षा में कितना आ जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का, सोडियम का परमाणु, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, और क्लोरीन का कितना है? 7 है। इसे हम, इसका यदि संरचना हम बनाएंगे तो इसमें सोडियम का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन लेंगे। किसी भी परमाणु का यदि संरचना, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन यदि बनाएंगे तो उसका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन का संख्या लिखेंगे। कहाँ का लिखेंगे? हमेशा बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का संख्या। सोडियम का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। अब क्लोरीन का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। किसी भी परमाणु का यदि रासायनिक बंधन यदि बनाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग, तो हमेशा आ लिखेंगे कहाँ का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या? लास्ट वाले कक्षा का। तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, 2, 4, 2, 6, 7 हो जाएगी। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। इसे हम ध्यान से देखेंगे तो बताए थे कि यदि बाह्यतम कक्षा में 1 रहे तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा? त्याग। और इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन यदि 7 है तो ये क्या कर लेगा? ग्रहण। तो ध्यान से देखिए कि सोडियम का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो यही क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये दान में दे देता है। किसको? सोडियम दे देता है क्लोरीन परमाणु को, दान में दे देता है। इसमें ध्यान से देखिएगा,
कि ये धातु होता है और ये वो धातु होता है। कहने का मतलब धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, और वो धातु हमेशा क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब ये त्याग किया तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, वो भी कितना पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। और ये क्या किया, ग्रहण किया, कितने इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का, तो इस पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आएगा। जैसे शादी विवाह होता है उसी प्रकार रासायनिक बंधन होता है। बंधन, बंधन कहने का मतलब है कि बांध कर रखने का। जैसे किसी का शादी विवाह हो जाता है तो उसको भी क्या कर देते हैं, बांध कर रखते हैं। क्या कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं। उसी प्रकार रासायनिक बंधन में भी क्या होता है, बांध कर रखता है। एक शादी विवाह जो होता है उसमें लड़का और लड़की का होना जरूरी है। लड़का हो गया पॉजिटिव चार्ज, लड़की हो गया निगेटिव चार्ज। उसी प्रकार सोडियम हो गया लड़का और क्लोरीन हो गया लड़की, मतलब सोडियम हो गया बॉय और क्लोरीन हो गया गर्ल। ये दोनों का शादी विवाह करा देना है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बॉय एक इलेक्ट्रॉन गर्ल को दे देगा। दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, MgO में Mg का परमाणु संख्या होता है 12। इसको यदि कक्षा में बांटेंगे तो पहले में 2, दूसरे में 8, फिर लास्ट में कितना आएगा 2। फिर ऑक्सीजन का बांट के देखेंगे तो पहले में आएगा, इसका होता है कितना इलेक्ट्रॉन 8, पहले में आएगा 2, दूसरे में 6। इसमें भी यदि हम इसका संरचना बनाएंगे तो मैग्नीशियम का होता है कितना, बाह्यतम कक्षा का बताए थे कि यदि किसी का संरचना बनाएंगे, संरचना करने का मतलब फोटो उसका बनाए, फोटो जैसे ये फोटो है उसी तरह से इसका संरचना बनाएंगे। फोटो मतलब वो बंधन बांधा कैसे है, तो इसका यदि फोटो बनाएंगे संरचना, तो बाह्यतम कक्षा का होता है कितना 2, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इसका कितना होता है ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा का 6, ऑक्सीजन का लिख दिए 2, 2, 4, 2, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन। बताए थे कि 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो दूसरे को दे देगा, त्याग कर देगा। ऑक्सीजन के पास 6 है मतलब वो दूसरे से क्या कर लेगा, ले लेगा। कितना पुराने के लिए लेता, 8 पुराने के लिए, पिछले कक्षा में हमने बताया था। तो ये इसके पास 6 परमाणु इलेक्ट्रॉन है, 6 है, और 8 पुराने के लिए इसके इसके पास और कितना चाहिए, 2 चाहिए, तब कितना पुर जाएगा, 8 पुर जाएगा। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मैग्नीशियम से मांग लेता है कि हमको दे दो भाई, मैग्नीशियम दे दो, हमको जरूरत है। मैग्नीशियम से क्या कर लेता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन मांग लेता है कि हमको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। फिर दूसरा भी इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, मैग्नीशियम से मांग लिया कि हमको दे दो, तुम्हारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बेसिया दो, हमको क्या करो, दो इलेक्ट्रॉन दे दो, ऑक्सीजन मांग लेता है। जब ये दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन तो इस पर कितना प्लस, 2 प्लस चार्ज। आइए 2 को ले लिया इलेक्ट्रॉन तो इस पर कितना माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज। और बताए कि इसमें बंधन में धातु और वो धातु होगा, धातु और वो धातु होगा, धातु जब यदि मान के आप ऐसे समझिए कि 1, 2, 3 रहे बाह्यतम कक्षा में, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, धातु है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास बाह्यतम कक्षा में, तो ये क्या है, धातु है, धातु है, दान दिया। जब कोई दान दे तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, धातु है। जब कोई ग्रहण करे तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो धातु है। ये इलेक्ट्रॉन का दान दिया मतलब ये धातु है, बॉय है, लड़का है। ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया मतलब ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, लड़की। दोनों का शादी विवाह हो गया, इसी को रासायनिक बंधन कर दे। अब तीसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन H2 का लेते हैं।
इसमें हाइड्रोजन परमाणु का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहले कक्षा में ही एक आ जाएगा, पहले कक्षा में ही एक आ जाएगा। हाइड्रोजन है कितना परमाणु बंधन बंधा हुआ, दो परमाणु, दो को हाइड्रोजन लिख देंगे। पहले कक्षा में ही है इसका एक ही इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक। हाइड्रोजन जो है इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही होगा, क्योंकि प्रत्येक हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, एक। अब यदि बताए थे कि एक रहे तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा, त्याग कर देगा, ये बताए थे, ये बेसिक ट्रिक बताए थे कि एक यदि रहे तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। एक कब रहेगा तो त्याग करेगा, जब इसके पास ज्यादा रहेगा तब। अब हाइड्रोजन के पास है एक ही इलेक्ट्रॉन, मान के चलिए आपके पास एक ही रुपए है, हम आपसे मांगेंगे आपके पास ज्यादा रहेगा तब ना आप दीजिएगा, आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन को दे देगा तो इसके पास बचेगा कुछ नहीं, बचे ये हाइड्रोजन भी यदि कि इसको दे देगा एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी बचेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं बचेगा। तो ये क्या करता है, आपस में ही साझेदारी कर लेता, साझेदारी। साझेदारी कहने का मतलब क्या, आज हमने आपको खिलाया 10 रुपए का कोई चीज, कल आपसे हम खाएंगे 10 रुपए का कोई चीज, यही होता है साझेदारी। जैसे ये मार्कर हुआ, ये 20 रुपए है इसका मूल्य, हम मिला दिए 10 रुपए, आप मिला दिए 10 रुपए, दोनों मिला के ले लिए 10 रुपए का, 20 रुपए का मार्कर, वही होता है साझेदारी। तो ये परमाणु हाइड्रोजन दोनों परमाणु क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेता है। ये हाइड्रोजन क्या बोलता है, जब हमको जरूरत पड़ेगा तुम हमको दे देना एक इलेक्ट्रॉन, ये इससे ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन। फिर ये हाइड्रोजन क्या कहता है, जब हमको जरूरत पड़े तो तुम हमको दे देना एक इलेक्ट्रॉन, ये इससे ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन। दोनों आपस में साझेदारी कर लेता है। तो इसका फोटो बनाने का है तो इस तरह से बना दीजिए, एक बंधन बंध जाता है दोनों के बीच में, हाइड्रोजन परमाणु के दो परमाणु के बीच में क्या बन जाता है, एक बंधन बन जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन का, एक एक इलेक्ट्रॉन का दोनों के बीच साझेदारी हो जाता है, कि एक यदि जरूरत पड़ा तो हम आपसे ले लेंगे, एक यदि जरूरत पड़ा तो हम आपसे ले लेंगे, दोनों आपस में क्या हो जाता है, जुट जाता है, H2 यही बना लेता है। इसी को कहते हैं क्या, रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन अब होता है कितने प्रकार का, ध्यान से देखेंगे कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आयनिक बंधन, इसी का दूसरा नाम है विद्युत संयोजक बंधन। दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। तीसरा होता है उपसहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, स्थानांतरण कहने का मतलब क्या, मान के चलिए ये मार्कर है, यहां पर, यहां से चलकर मार्कर पहुंच गया कहां, यहां पहुंच गया। तो एक जगह से दूसरे जगह जो चलकर पहुंच जाता है इसी को कहते हैं स्थानांतरण। क्या कहते हैं, स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन एक जगह से यदि दूसरे जगह चलकर पहुंच जाए तो इसी को क्या कहेंगे, स्थानांतरण। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने जो बंधन होते हैं उसी को क्या कहते हैं, आयनिक बंधन। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे सोडियम का, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका होता है 11 कक्षा में बांटेंगे तो 2, 8, 1। क्लोरीन का बांट के देखेंगे तो 17 होता है, 2, 8, 7। बताए थे कि यदि किसी का भी रासायनिक बंधन बनाइएगा या तो संरचना बनाइएगा तो इसका बाह्यतम कक्षा लेंगे, परमाणु का संख्या कौन सा लेंगे, बाह्यतम कक्षा। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक।
इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। बताए कि यदि एक रहे तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 है तो ये क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा बाह्यतम कक्षा में। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास बाह्यतम कक्षा में कितने हैं? 1। तो ये इलेक्ट्रॉन का 1 क्या कर लेता है? त्याग कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? त्याग कर देता है सोडियम परमाणु। ये क्लोरीन परमाणु क्या कहता है कि मेरे पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास होना चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 हमको दे दो सोडियम भाई, 1 हमको दे दो, 1 दे दो। तो ये क्या कर देता है? जब ये क्लोरीन रिक्वेस्ट करता है सोडियम से कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? त्याग कर देता है और क्लोरीन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दान में दिया तो इस पर कितना प्लस चार्ज? 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन दान में लिया तो कितना माइनस चार्ज? 1 माइनस चार्ज। और बता या और याद रखिएगा कि आयनिक बंधन बनने के लिए धातु और वह धातु का होना आवश्यक है। आयनिक बंधन बनने के लिए धातु और वह धातु, धातु रहे तो प्लस चार्ज, वो धातु रहे तो माइनस चार्ज, मतलब बॉय और गर्ल। धातु रहे तो लड़का और वह धातु रहे तो लड़की। धातु रहे तो लड़का तो प्लस चार्ज, वो धातु रहे तो लड़की तो माइनस चार्ज। तो ये धातु है मतलब बॉय है, ये वो धातु है मतलब क्या है? गर्ल है। ये वो प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। धातु और अधातु पहचानेंगे कैसे? प्लस रहे तो धातु और माइनस रहे तो वो धातु। ये प्लस है तो मतलब ये क्या है? धातु है। ये माइनस है तो ये क्या है? वो धातु है। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। आप याद रखिएगा कि धातु हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और वह धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या तो साझेदारी भी कर लेगा। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या क्या करेगा? त्याग करेगा। लेकिन वह धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा और साझा भी कर लेगा। याद रखिएगा कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, लेकिन वह धातु रहे तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी करेगा और साझेदारी भी करेगा, दोनों करेगा। तो वो धातु इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया क्लोरीन, किससे? सोडियम परमाणु से। तो इसके बीच में एक बंधन का निर्माण हो गया, इसी को कहते हैं क्या? आयनिक बंधन। क्या कहते हैं इसी को? आयनिक बंधन। दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसमें हम एल्यूमिनियम को अलग लिखेंगे और ऑक्सीजन को अलग लिखेंगे। दोनों का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के देखेंगे। एल्यूमिनियम क्या होता है? 13। इसको कक्षा में बांटेंगे 2, 8 और कितना हो जाएगा? 3। इसको फिर कक्षा में बांटेंगे ऑक्सीजन को, पहले में आएगा 2, फिर दूसरे में कितना आएगा? 6। सर यहां 3 लिख दिए, होता है 8। तो इसको हम कक्षा में बांट लिए, एल्यूमिनियम को अलग लिखेंगे, ऑक्सीजन को भी क्या करेंगे? अलग लिखेंगे। ध्यान से देखिए कि इसमें सूत्र में एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 एल्यूमिनियम है तो 2 एल्यूमिनियम परमाणु लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना परमाणु है? 3 ऑक्सीजन परमाणु है तो 3 ऑक्सीजन परमाणु हम लिखेंगे। कितने ऑक्सीजन परमाणु है? 3 है तो 3 ऑक्सीजन परमाणु लिखेंगे। अब इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, एक एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 1, 2, 3। अब इसके बाह्यतम कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 3, क्योंकि ये भी तो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6 हो गया। पाट दिए।
अब इसके पास ही ऑक्सीजन के पास है कितने इलेक्ट्रॉन, दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन है। इसको पुराना है कितना इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन पुराना है। आठ पुराने के लिए इसके पास छह है, आठ पुराने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, ये एल्युमिनियम से ही दो इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। ये ऑक्सीजन क्या कहता है कि एल्युमिनियम भाई हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस ऑक्सीजन को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ये एल्युमिनियम से दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, मांग लेता है। एल्युमिनियम के पास तीन तीन इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करता है, तीन इलेक्ट्रॉन है इसके पास और देना है दो ही इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन दे ही देता। अब ये बीच वाला भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या कहता है, जब उसको दे ही दिए दो इलेक्ट्रॉन तो बचा कुचा हमको भी दे दीजिए, क्योंकि उसके भी पास के भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो को चाहिए, तो बचा ये भी इलेक्ट्रॉन इसको एक दे देता। अब ये ऑक्सीजन भी क्या कहता है, जब सब कोई ले ही लिया इलेक्ट्रॉन तो हम क्यों बचे, हम भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब ये लेगा किससे, ये तो सब बांट ही दिया इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो है ही नहीं, तो दूसरा जो एल्युमिनियम बचा है इससे ही ये ले लेता है। वो भी कितना इलेक्ट्रॉन है, जरूरत दो है तो दो ले लिया। अब इसका भी हो गया फुल, आठ फुल किया, बचा एक इलेक्ट्रॉन। तब ये भी ऑक्सीजन क्या कहता है, जब सबको दे ही दिए तो हमको भी दे ही दीजिए एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे दे देता है एल्युमिनियम एक ऑक्सीजन को। तो ये कितने दान दिए, तीन इलेक्ट्रॉन दान दिए, तो इस पर कितने प्लस, तीन प्लस चार्ज। ये भी कितने दान दिए, तीन, तो इस पर भी कितना चार्ज, प्लस तीन प्लस चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन लिया कितना दान में, दो, तो इस पर दो माइनस। ये भी कितना इलेक्ट्रॉन दान में लिया, दो, तो इस पर भी कितना माइनस, दो माइनस। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन दान में लिया, दो, तो इस पर भी कितना माइनस, दो माइनस। अब देखिए कि प्लस है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, धातु। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, वो धातु। तो आयनिक बंधन बनने में धातु और वो धातु का होना आवश्यक है। धातु रहे तो प्लस चार्ज, वो धातु रहे तो माइनस चार्ज। धातु रहे तो समझ जाइएगा कि बॉय है लड़का है, वो धातु रहे तो समझ जाइएगा कि गर्ल है, कि मतलब लड़की। लड़का लड़की रहे तभी बंधन बनेगा, कौन सा बंधन, आयनिक बंधन। आयनिक बंधन बनने के लिए लड़का और लड़की का होना आवश्यक है, मतलब धातु और अधातु का होना आवश्यक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सहसंयोजक बंधन के साथ। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।